Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आपको क्या लगा था मेरे लिए ये कठिन होगा? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु, किंतु माता ने तो सिद्धियों का प्रयोग करने से मना किया था। मंदिर और सीढ़ियों के निर्माण के लिए सिद्धियों के प्रयोग के लिए मना किया था आपने। मैंने शर्त तोड़ी नहीं, बस थोड़ी मरोड़ी है। मैंने अनेकों प्रतिरूप प्रकट कर दिए। ये तो छल है। माता के शब्दों का अनुचित लाभ उठा रहा है नरकासुर। अनुचित का फल कभी भी उचित हो ही नहीं सकता। मंदिर का कार्य समाप्त हुआ, अब सीढ़ियां। प्रभु, अभी तो आधी रात्रि भी बाकी है और आधे से अधिक कार्य तो इसने कर भी लिया। यदि ये मंदिर बनाने में सफल हुआ तब क्या होगा? देखा देवी, उतना कार्य कर चुका हूँ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सुबह से पहले पहले ही तब कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं, जटिल से जटिल बाधाओं को भी दूर करते हैं। प्रभु, आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ प्रभु। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। शीघ्र ही कुछ कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो एक यही उपाय है, मैं जाकर माता कामाख्या को ये सुझाव देता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण हो। मैं जानती हूँ मेरी चिंता के कारण को लेकर ही प्रथम पूज्य भी चिंतित हैं। माता, आपकी ही दी हुई शक्तियों का प्रयोग आपके ही विरुद्ध, ये तो छल है। ऐसे अधर्मी को उचित सीख तो मिलनी चाहिए ना। किंतु उपाय सोचने के लिए समय ही कहाँ है। उसे तो पूर्ण विश्वास है कि समय के रहते ही वो निर्माण का कार्य संपूर्ण कर लेगा और बस अब अंतिम सीढ़ी ही शेष है। समय रहते उसके इसी विश्वास को ही तो डिगाना है। कैसे गणेश, ये कैसे होगा? अहंकार जिसकी प्रेरणा हो उसके मन में तनिक भी संदेह बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बस उसका बीज बोना है और ये दुष्ट
मंदिर निर्माण का कार्य रोक देगा। किंतु उसके मन में संदेह कैसे उत्पन्न करोगे गणेश? संपन्न होने वाला है कार्य मेरा देवी, देखिए। उसकी युक्ति है मेरे पास, जिसके लिए मुझे बांग देने वाले मुर्गे की आवश्यकता है। किंतु जैसे ही नरकासुर को ज्ञात होगा कि उस मुर्गे के कारण वो विफल हुआ, तो वो उसका वध कर देगा, और मैं किसी निर्दोष प्राणी के साथ ऐसी निर्दयता नहीं होने देना चाहता। तो मैं अपनी शक्ति से एक ऐसे मुर्गे को उत्पन्न करूंगी, जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाएगा वो फिर मुझ में ही समाहित हो जाएगा। उचित है माता, तो उसे ऐसे स्थान पर भेजिए जहाँ नरकासुर भी उसके स्वर को सुन सके। बस, बस अब कुछ ही पल की देरी है देवी, मैं आपकी शर्त को पूरा कर दूंगा। ये मुर्गा कहां से आ गया? ये यहां क्या कर रहा है? श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीतल प्रसादनाय नमः। चाहिए था मुझे, पर देर कैसे हो गई? विघ्नहर्ता गणेश ने तो मुझे भी इस विकट स्थिति से उबार लिया। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी तीव्र बुद्धि। इसका कोई लाभ नहीं। पल पल गिन रहा था, पर फिर देर कहां हुई? असफल कैसे हो गया मैं? कैसे? दूसरी दिशा से कैसे आ रहा है? सूर्य उदय तो अभी हो रहा है। अर्थात इस मुर्गे ने समय से पहले बांग दी। समय था मेरे पास। देवताओं को पशु रूप में बंदी बनाया था मैंने, और एक साधारण मुर्गे ने मुझे मूर्ख बना दिया। नहीं, ये कोई साधारण मुर्गा नहीं हो सकता, अवश्य ये किसी का छल है।
किंतु अब ये नहीं बचेगा। तुम मुझे क्या मारोगे नरकासुर? तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। पुत्र, अच्छा हुआ पुत्र तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। क्या सोच रहे हो पुत्र, कुछ हुआ है क्या? मुझे स्वीकार नहीं किया उसने, नकार दिया। किसने नकार दिया पुत्र? यही योजना थी उसकी, मुझे नकारना ही था। मुझे बताओगे भी तुम किसकी बात कर रहे हो? देवी कामाख्या ने मेरा सुरक्षा कवच वापस ले लिया, मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, छल किया है मेरे साथ। उन्होंने मेरी शक्तियों का अपमान किया है और नरकासुर अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। आरंभ और अंत दोनों नियत है और माता ने भी कहा था नरकासुर का वध किसी और के हाथों होने वाला है जिनका आना अभी शेष है। कौन है वो प्रभु? ये तो मैं भी नहीं जानता, किंतु हमें लगा कि माता ने आपको पूरी योजना बता दी है। माता ने बस इतना कहा था कि जो भी घटनाक्रम होगा उससे ये ज्ञात होगा कि नरकासुर माता भूदेवी का सदाचारी पुत्र बनने का चुनाव करेगा या दुराचारी असुर होने का, और यदि उसने दुराचार का मार्ग अपनाया तो वो माता की सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। किंतु उसका वध कौन करेगा ये रहस्य तो बस माता कामाख्या को ही ज्ञात है। तब तो हमें माता कामाख्या का आवाहन कर उन्हीं से आग्रह करना चाहिए कि वो हमारी जिज्ञासा शांत करें। संभव है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को भी उसमें अपनी भूमिका निभानी हो। अवश्य ये षड्यंत्र नारायण ने ही रचा था। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए कभी देवी कामाख्या, कभी गजानन, कभी अपने ही पिता के महास्वरूप नारायण को दोषी समझने की भूल कर रहे हो तुम। भूल नहीं, वर्षों तक भक्ति की है मैंने, वो भक्ति जब प्रेम बनी तो कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था उसे देवी कामाख्या ने। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कामाक्षये चामुण्डायै विद्महे भगवतये धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम माता। जिन जिज्ञासाओं को लेकर आपने मेरा आवाहन किया है अब उसे शांत करने का समय आ गया है। हाँ माता, हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। भक्त जब तक अपने भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है तब तक वो अपने आराध्य की छत्र छाया में रहता है, सुरक्षित रहता है। नील पर्वत पर मेरे मंदिर का निर्माण कर नरकासुर ने पुण्य तो अर्जित कर लिया, किंतु उसके आसुरी स्वभाव उससे भूल करवा ही दी और वो मेरी कृपा से वंचित रह गया। नील पर्वत की अधूरी सीढ़ियां
इसका प्रमाण जो आगे चलकर मैखेलोजा पथ कहलाएगा और ये स्थान सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। और वो स्थान जहाँ पर उसने मुर्गे का अंत करने का प्रयास किया था उसे कुकुर काटा के नाम से पुकारा जाएगा, जो सभी को ये स्मरण दिलाएगा यदि वो अपने अंदर कुटिलता को जन्म लेने देता है और उसे पालता पोसता है तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थिर दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थिर दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती। पुत्र, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इतने विचलित क्यों हो? लगता है जैसे तुम्हारा मन शांत नहीं। हाँ, नहीं है शांत। और जो अपने मन में ऐसे कपट को घर करने देते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। किंतु माता, आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हैं। संसार में जो कुछ भी होता है आपकी ही इच्छा से होता है, तो आप तो उसका वध कर संसार को उसकी दुष्टता से मुक्त भी कर सकती थीं। सत्य है, संसार में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, किंतु जो नियम और मर्यादा मैंने स्थापित की है उन्हें स्वयं मैं कैसे भंग कर सकती। विधि का विधान तो यही है कि जिसकी मृत्यु जिस प्रकार और जिसके हाथों से नियत है वैसे ही होगी, किंतु आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस दिन उसका काल आएगा, जिसके भी हाथों से उसकी मृत्यु तय है वो उसके सामने ही होगा। मेरा अंत ऐसे नहीं होगा। पुत्र, कुछ नहीं है यहाँ, ये किसका भय है तुम्हें? मैं तुम्हें ऐसे भयभीत नहीं देख सकती। भक्त नरकासुर ने भक्ति त्याग कर असुर होने का चुनाव किया है, तो अब उसका मन भी कभी शांत नहीं रहेगा। अपने अंत की आशंका में वो भयभीत भी रहेगा और आतंकित। किंतु माता, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके हाथों उसका अंत होगा? ये रहस्य तो आपने अभी भी उजागर नहीं किया। नारायण ने जब नरकासुर को मेरी भक्ति करने का मार्ग सुझाया, तब उसने छल किया और अपनी मृत्यु को असंभव बनाने के लिए उनसे एक और वरदान मांग लिया। वो वरदान क्या था माता? आतंकित और भयभीत होना नरकासुर का स्वभाव नहीं मां। आशीर्वाद गया, सुरक्षा कवच भी गया, किंतु दीर्घायु का आशीर्वाद अभी भी बाकी है। इसलिए मैं अमर था और अमर ही रहूंगा। नारायण, मैं सदा आपके दिखाए हुए पथ पर चलूंगा। मैं आपका अवतार का पुत्र हूं, तो क्या आप अपने इस पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे? स्पष्ट कहो नरकासुर, क्या चाहते हैं? आप मुझे अमृत्व नहीं देंगे ये तो मैं समझ गया प्रभु, तो बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मैं कभी आपके बताए हुए पथ से मैं भटक गया तो आपके अवतार और उस अवतार में एक साधारण स्त्री जो आपकी धर्म पत्नी होगी वही सम्मिलित रूप से मेरा वध कर सके, और कोई नहीं। ये आशीर्वाद लेकर तो नरकासुर ने अपनी मृत्यु को भी बांध दिया। छल करना क्या केवल नहीं आता है? मैंने भी ऐसा आशीर्वाद लिया है जो अमृत से भी दुर्लभ है।
देवी लक्ष्मी की अवतार नहीं, साधारण स्त्री उनकी पत्नी होगी, असंभव है ये। नारायण, आपने अनजाने में ही मुझे अमर कर दिया। छल और कपट ने तुम्हारी मन और बुद्धि के साथ तुम्हारे ज्ञान को भी भ्रष्ट कर दिया है। धर्म, जिसे तुम भूल बैठे हो, वो न्याय दिलवाने का मार्ग खोलता है और कपट और कुटिलता के अंत का भी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये असंभव संभव हो चुका है? हाँ, वो कोई और नहीं, 16 कलाओं से पूर्ण नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा। कुटिल वृत्ति और बुद्धिपूर्ण युक्ति में विजय सदा युक्ति की होती है।